अरे पापा सोने दो ना प्लीज, अभी तो सुबह की 6 बजी हुई है यार। चुपचाप उठ, मुंह धो और पढ़ने बैठ। अरे सुबह सुबह जल्दी पढ़ने से क्या अच्छा याद होता है क्या? हाँ, सुबह सुबह जल्दी उठने से ज्यादा याद होता है क्या? हाँ। अरे सुबह सुबह जल्दी पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है क्या? अरे हाँ भाई हाँ। अरे कोई बात नहीं, मुझे नींद ज्यादा प्यारी है। अरे झाड़ू कहाँ गया बताना मुझे एक बार। ये हो गया और ये भी मैंने कर ही लिया था, और बाकी जो रिविजन है वो तो मैं कल करता हूँ। हाँ पिताजी। प्रणाम पिताजी, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठ के बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है पढ़ने का, धन्यवाद। सो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यार मैं इसको एक मिथ मानता हूँ, और इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर देखिए आप। इसमें होता क्या है कि हर एक का एक टाइम होता है, दैट इज दिस टाइम इज नोन एज अ हाइपर प्रोडक्टिव पीरियड, राइट। आप दिन में एक ऐसा टाइम होता है जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। तो यार होता क्या है कि हर एक का घर का एक जो वातावरण होता है वो अलग अलग होता है। पता पड़ा कि आप पढ़ रहे हो या रात में घर में ऐसा माहौल है कि आप रात को सो लेट पा रहे हो, लाइक आप 12 बजे सो रहे हो, राइट, और आपको बोला जाए कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो तो आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, राइट। आप हो सकता है कि आप घर वालों के प्रेशर में उठ भी जाओ और आप पढ़ने बैठ भी जाओ, पर यार आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, राइट, क्योंकि आपको नींद आएगी, क्लियर है। तो यार आपको जो हाइपर प्रोडक्टिव पीरियड जो होता है वो कहने के घर के एनवायरनमेंट को भी लाइक अकॉर्डिंग होता है, राइट, कि आपके घर का जो माहौल है उसके हिसाब से। हाँ, अगर आपके घर में सब लोग जल्दी सो जाते हो और आप जल्दी खाना खा लेते हो, जल्दी सो जाते हो, तो यार सुबह उठ के आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, आपको पढ़ना चाहिए उस टाइम पे, राइट। तो इसमें आपको अपनी दिनचर्या देखनी है, आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको देखना है, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यार ऐसा कौन सा टाइम है जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे को समझ में आता है, राइट। हर एक का पढ़ने का अपना एक टाइम होता है, कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी सुबह अच्छा पढ़ रहा है तो दूसरा भी सुबह पढ़ के अच्छा मार्क्स लेके आ जाए, ऐसा नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि यार आपको कौन सा टाइम सूट करता है अकॉर्डिंग टू द योर रूटीन एंड आपकी फैमिली का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, राइट। सो मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको बहुत अच्छा समझ में आता है, मतलब कौन सा आपका हाइपर प्रोडक्टिव पीरियड है। और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।